अपर लिम का मॉडल है, इसमें शोल्डर, आर्म, फोर आर्म और हैंड। एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड पे हम पाम हमारा एंटीरियरली होता है, तो ये एंटीरियर साइड है और लेफ्ट हैंड है। ये एंटीरियर व्यू है शोल्डर मसल्स का। सब स्कैपुलरिस, लैटिसिमस डोर्साई का छोटा सा पार्ट है, कट सेक्शन है। टीरीज मेजर, टीरीज मेजर पीछे भी कंटिन्यू हो रहा है पोस्टीरियरली। टीरीज मेजर, टीरीज माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस। ये बीच में आ रही है स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसको इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करके इस तरह होल्ड करते हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और एंटीरियरली ये क्लेविकल है, ये रहा क्लेविकल। और एक और मसल है डेल्टोइड। अब आर्म पे आ गए, आर्म में एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स में पढ़ेंगे। एंटीरियर कंपार्टमेंट में एक मेजर मसल है बाइसेप्स, ये रहा बाइसेप्स ब्रेक आए। अच्छा, थंब जो है ये लेटरल साइड है, इंडेक्स फिंगर मीडियल साइड है। तो बाइसेप्स ब्रेक आए कि मीडियली हमारे पास है कुरैको ब्रेकियालिस, ये रहा। फिर बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रेक आए का शॉर्ट हेड मीडियली है, फिर लॉन्ग हेड लेटरली है। और बाइसेप्स ब्रेक आए के लेटरली है ब्रेकियालिस, ये ब्रेकियालिस है। बाइसेप्स को हटाएंगे तो पूरे ह्यूमरस के लोअर हाफ पे ब्रेकियालिस मिलेगा। तो एंटीरियरली हम अगर देखें, ये एंटीरियर व्यू है, इसमें कुरैको ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेक आए, ब्रेकियालिस। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक मेजर मसल है बस, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है और एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है। यहाँ पोस्टीरियरली आ गया ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स के तीन हेड हैं। यहाँ पे वाइट पोर्शन नहीं दिख रहा है तो ये वाला लॉन्ग हेड हो गया, फिर ये लेटरल हेड और नीचे आता है मीडियल या शॉर्ट हेड। आर्म के मसल्स हो गए। अब फोर आर्म पे शिफ्ट होंगे, फोर आर्म पे एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट दोनों होंगे, और एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में सुपरफिशियल और डीप मसल्स के साथ देखेंगे। ये क्यूबॉइडल फोसा बन गया, ये रहा। इसके अंदर मीडियल मार्जिन प्रोनेटर टीरीज बना रहा है, लेटरल मार्जिन ब्रेकियो रेडियालिस बना रहा है। इसके बाद ये फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, फोर आर्म का एंटीरियर कंपार्टमेंट भी है, लेटरली रेडियस है, मीडियली अल्ना है। फोर फिंगर्स हम लोगों ने इस तरह से देखा था, तो प्रोनेटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। और ये सुपरफिशियल चार मसल्स हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट मसल में बीच में जो फाइबर्स दिख रहे हैं, ये फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस है, ये वाला मसल है बीच में दिख रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। उसके बाद डीप मसल्स के अंदर दो मसल्स आएंगे, ये थंब की तरफ है और एक डिजिट्स की तरफ है। थंब की तरफ है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस, और बाकी डिजिट्स की तरफ दूसरा है फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, इस प्रोनेटर क्वाड्रेटस यहाँ पे आता है रिस्पेंड की तरह से। क्यूबॉइडल फोसा की अब पोस्टीरियरली हम लोग जाएंगे। यहाँ पे सुपरफिशियल मसल्स और फिर डीप मसल्स, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। ये वाला पोर्शन रेडियालिस का है, ये डिजिटोरम का है। सबसे पहले आ गया ब्रेकियो रेडियालिस, फिर आ गया एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, ये छोटा सा मसल है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस। फिर डिजिटोरम मसल्स आ गए, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी ये पतला सा, और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस ये वाला है एंकोनियस। ये सुपरफिशियल मसल्स हो गए। अब डीप मसल्स में ये और ये हटा दिया, तो डीप मसल्स में आ गया सुपिनेटर, ये सुपिनेटर है। उसके बाद ये एक फाइबर जो जा रहे हैं ना, ये इसका है, ये ना क्यूबॉइडल फोसा के मार्जिन में हमने पढ़ा था मीडियल मार्जिन प्रोनेटर टीरीज, ये प्रोनेटर टीरीज का फाइबर जा रहा है। डीप मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में आ गया सुपिनेटर, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस ये आगे जाता है, और इट एंड्स एट द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल, यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर आ गया एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ये आगे जाता है और प्रॉक्सिमल फैलिंग्स की बेस पे ख़त्म होता है। और आ गया एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ये जाता है और ये ख़त्म होता है
डिस्टल फैलिंग्स की बेस पे, ये मेटाकार्पल है, ये रहा मेटाकार्पल, फिर प्रॉक्सिमल फैलिंग्स और डिस्टल फैलिंग्स, तो इनकी बेसिस पे वाले ख़त्म हो रहे हैं ये तीन मसल्स में। तो इससे भी याद कर सकते हैं कि दो लॉन्गस के बीच में ब्रेविस आ रहा है, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, तो दो लॉन्गस के बीच में ब्रेविस आ रहा है। यहाँ पे हमारा बनता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। हैंड के मसल्स अब देखेंगे, ये एंटीरियर है, एंटीरियर में थंब के पास हमारे पास होता है थीनार एमिनेंस और ये हाइपोथीनार एमिनेंस लिटिल फिंगर के पास होता है। थीनार एमिनेंस में लेटरल टू मीडियल देखेंगे ओपोनेंस पॉलिसिस, फिर आ गया एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस और यहाँ पे आ गया एडक्टर पॉलिसिस। हाइपोथीनार एमिनेंस के अंदर सबसे लेटरली आता है ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, फिर बीच में आता है एडक्टर डिजिटी मिनिमी और सबसे मीडियली आता है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी। यहाँ पे कोई एडक्टर नहीं है, यहाँ था थीनार में एडक्टर भी था, एडक्टर पॉलिसिस। उसके बाद लम्ब्रिकल्स होते हैं लेकिन वो इस दर दिखेंगे नहीं कि ये सुपरफिशियल मसल्स हैं, लम्ब्रिकल्स डिजिट्स के बीच में होते हैं यहाँ पे अंदर की तरफ, और पाल्मर इंट्रोसियस यहाँ पे हैं, डॉर्सल इंट्रोसियस यहाँ पे हैं, ये जो मसल्स हैं बीच में। एबडक्शन ऑफ आर्म के अंदर 3 डिग्री पे देखेंगे, सुप्रास्पाइनेटस 0 to 15 degree पे करता है, 15 to 90 degree पे डेल्टोइड करता है और 90 से अबव सेरेटस एंटीरियर करता है। इंफ्रास्पाइनेटस एक्सटर्नल या लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म करता है और सब स्कैपुलरिस इंटरनल या मीडियल रोटेशन करता है। आर्टरी सब देखेंगे अपर लिम की, पेंसिल की जगह समझो कि फर्स्ट रिब है तो लेफ्ट अपर लिम है, तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी फर्स्ट रिब से क्रॉस करके बन गई एक्सिलरी आर्टरी, ये रही एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद ये टीरीज मेजर है हमारे पास, तो एक्सिलरी आर्टरी जैसी क्रॉस करती है टीरीज मेजर से तो ये बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी, तो सबक्लेवियन आर्टरी ऊपर एक्सिलरी आर्टरी, टीरीज मेजर के नीचे ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हुई ये रेडियल आर्टरी यहाँ थंब के पास लेके आई और अल्ना आर्टरी इधर आई लिटिल फिंगर के पास। अब यहाँ पे हमारे पास आर्चेस बनते हैं डीप और सुपरफिशियल। जो सुपरफिशियल आर्च बनता है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, डीप वाला नहीं दिखेगा। सुपरफिशियल आर्च जो बनता है वो अल्ना आर्टरी का मेजर पार्ट और रेडियल आर्टरी की एक छोटी सी ब्रांच आती है सुपरफिशियल में, और डीप के अंदर रेडियल आर्टरी की मेजर आती है और अल्ना आर्टरी की छोटी सी ब्रांच आती है डीप में। नर्व्स में देखेंगे तो ब्रेकियल प्लेक्सस, यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस है हमारा पूरा, ब्रेकियल प्लेक्सस से फिर ब्रांचेस निकलेंगी। सबसे पहली ब्रांच ये पोस्टीरियरली देख लो, डेल्टोइड और टीरीज माइनर, इसको सप्लाई करेगी एक्सिलरी नर्व। ये वही नर्व है मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, ये सप्लाई करती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म को। उसके बाद यहाँ से आ रही है ये ब्रेकियल प्लेक्सस से, हमारे पास तीन निकल, बहुत सारी निकल रही हैं, तो सबस्कैपुलर अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। उसके बाद ये दो जा रही हैं साथ साथ, एक गई मीडियन नर्व, ये मीडियन नर्व है और ये अल्नर नर्व है, और मीडियन नर्व यहाँ से गई और फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के अंदर से जाती है, बिलो द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम, और अबव द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम हमारे पास ये होता है इसका टेंडन, पाल्मेनस लॉन्गस है उसका टेंडन होता है, पाल्मेनस लॉन्गस का टेंडन ऊपर से जा रहा है, ये फ्लेक्सर रेटिनिकुलम है उसके ऊपर से जा रहा है, और मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनिकुलम के नीचे से जाती है, और रेडियल नर्व ये एक और ब्रांच निकली थी ऊपर से, ये रेडियल नर्व के पीछे जाती है और सप्लाईज थी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द एंटायर आर्म और फोर आर्म और हैंड, पूरे को रेडियल नर्व सप्लाई करती है। और एंटीरियरली आर्म में हमारे पास मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, फोर आर्म में मीडियन नर्व और अल्नर नर्व है, और हैंड में भी मीडियन नर्व और अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व को हम म्यूजिशियन नर्व कहते हैं, और मीडियन नर्व को हम लेबरर्स नर्व या पेरिफेरल आई ऑफ द हैंड। और ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, एक अर्ब्स पॉइंट जहाँ पे 6 नर्व्स मीट करती हैं, और अगर यहाँ पे डैमेज होता है तो अपर ट्रंक का पैरालिसिस है ये अर्ब्स पैरालिसिस, और लोअर ट्रंक की पैरालिसिस है क्लम्कीज पैरालिसिस। जो अर्ब्स पैरालिसिस है इसमें पुलिसमैन टिप या वेटर टिप जो होती है उस तरह के हमारे पास हैंड पोजिशन जाता है।
ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, इसमें नर्व की इंजरी मेजर इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ. एक्चुअली नर्व इज डैमेज्ड व्हेन देयर इज एन इंजरी टू शोल्डर जॉइंट. रेडियल नर्व जो पोसियर कंपार्टमेंट जा रही थी, इट इज़ डैमेज्ड ड्यूरिंग मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस. ये ह्यूमरस की मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज होगी. और मीडियन नर्व जो है वो सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर, यहाँ पे लेटरल कोंडाइल और मीडियल कोंडाइल, यहाँ सुप्रा उसके ऊपर जो है सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर पे मीडियन नर्व डैमेज होगी. ये कॉमन फ्लेक्सर टेंडन है, यहाँ पे चारों मसल्स की ओरिजिन होती है. प्रोनेटर टीरीस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इन सब की ओरिजिन इस टेंडन पे होती है. और यहाँ पे मीडियन एपिकोंडाइल है, इस पर अगर डैमेज होता है तो गोल्फर्स एल्बो. तो मीडियल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर तो गोल्फर्स एल्बो, और लेटरल एपिकोंडाइल का फ्रैक्चर तो टेनिस एल्बो. माई हैंड में दो रेटिनाकुलम है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ये वाइट वाला फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और पोस्टीरियरली एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में ये ब्राउन वाला एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है. इसके कंटेंट्स देखते हैं. सबसे पहले फ्लेक्सर के तो दो बर्सा हैं, अल्नर बर्सा और रेडियल बर्सा. बर्सा क्या होता है? बर्सा इज़ अ कंडेंसेशन ऑफ साइनोवियल शीथ, और रेटिनाकुलम जो है वो बैंड ऑफ थिक एंड डीप फेशिया अराउंड द टेंडन्स दैट होल्ड देम इन प्लेस. ठीक है, रेटिनाकुलम का फंक्शन जो है इट टू स्टेबलाइज अ टेंडन, और बर्सा का फंक्शन जो है रिड्यूस फ्रिक्शन करता है, टेंडन या मसल्स और बोनी जॉइंट्स में फ्रिक्शन ना हो वो प्रिवेंट करता है बर्सा. फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसके ऊपर से आता है पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन, ये रहा पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन रेटिनाकुलम से अबव जा रहा है, और इसके बिलो जाती है मीडियन नर्व, और दो बर्सा होते हैं, अल्नर बर्सा लिटिल फिंगर के पास और रेडियल बर्सा थंब के पास. अल्नर बर्सा सराउंड करता है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस इसके टेंडन को, और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस इसके टेंडन को सराउंड करता है अल्नर बर्सा, और रेडियल बर्सा सराउंड करता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के टेंडन को. ये टेंडन जा रहा है यहाँ पे, रेडियल बर्सा सराउंड करता है इसको. एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम आ गया. इसके फोर्थ कंपार्टमेंट जो है यहाँ से पास करती है एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी और पोस्टीरियर इंट्रोसियस नर्व. एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में मसल्स देखने हैं स्पेशली. सबसे पहले एक हमारे पास ऊपर से आ रहा है, ये पोस्टीरियर साइड है, ऊपर से आ रहा है ये वाला एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन. नीचे से दो टेंडन आ रहे हैं, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, ये तो बेस ऑफ मेटाकार्पल पे ख़त्म हो गया, और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये ऊपर तक जाता है, बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेरिंग्स पे ख़त्म होता है. ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है लेफ्ट हैंड पे, ऊपर से आ गया एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, और नीचे से आ गया एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, और इसके भी नीचे होता है हमारे पास एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस. एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के कॉन्टेंट के अंदर ये रेडियल आर्टरी आ गई, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व और सिफेलिक वेन. एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के रूफ बनाता है स्किन और सुपरफिशियल फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया में सिफेलिक वेन और रेडियल नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच आती है, और फ्लोर जो है इसका बनाता है स्कैफोइड और ट्रेपीजियम, कार्पल बोन्स हैं. क्यूबोइटल फोसा, क्यूबोइटल फोसा की मार्जिन्स, रूफ और फ्लोर इस तरह से देखेंगे. लेटरल मार्जिन बना रहा है ब्रेकियो रेडियलिस, और मीडियल मार्जिन बना रहा है प्रोनेटर टीरीस. इसकी एपेक्स जो है नीचे की तरफ पॉइंट है, डाउनवर्ड है. इसके रूफ पे सबसे ऊपर की तरफ होता है सुपरफिशियली स्किन, सुपरफिशियल फेशिया दैट कंटेन्स वेन्स एंड नर्व, फिर डीप फेशिया, और फिर बाइसेप्टल एपिन्यूरोसिस. ये रहा बाइसेप्स, बाइसेप्टल एपिन्यूरोसिस होता है. इसकी फ्लोर में दो मसल्स आते हैं, सुपिनेटर और ब्रेकियलिस. ये रहा ब्रेकियलिस, और यहाँ पे आ गया सुपिनेटर, ये दोनों इसके फ्लोर बना रहे हैं. इसके कंटेंट्स देखेंगे मीडियल टू लेटरली. सबसे पहले मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और रेडियल नर्व.